पूरे देश दुनिया में आज मदर्स डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह की शुरुआत ही माँ बेटी से मोहब्बत का जो है फोटो शेयर कर रही है, तो बेटी माँ से जो है मिलकर जो उनका सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आ रहा। हमारे साथ कई सारी बहन है, सब पढ़ती है और ये सब यदुवंशी लाइब्रेरी में तैयारी करती है। सुबह हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो बहन हमारे साथ है वो माँ को कैसे याद कर रही है, आज के दिन क्या तोहफा दे रही है और सुबह की शुरुआत की तो माँ से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा। बातचीत की शुरुआत आपसे करेंगे। आज मदर्स डे है, पता है आपको? हाँ पता है। क्या कहना चाहती है आज के दिन माँ के लिए, क्या कहना चाहती है? माँ दुनिया में सबसे बेस्ट होती है, कोई चीज़ में साथ दे या ना दे, माँ सब कुछ में, चाहे सही हो गलत हो, सब कुछ में माँ साथ देती है। माँ के लिए गिफ्ट यही होगा कि हम जो चीज़ का तैयारी करते हैं उसमें यदि सक्सेस मिल जाए, माँ के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट वही होगा। अच्छा, क्या चीज़ की तैयारी करती हैं? हम टीचर का तैयारी करते हैं। टीचर की तैयारी करते हैं। आज मदर्स डे, सुबह की शुरुआत आपने क्या कहा माँ से, आँख खुलते ही क्या कहा माँ से? फर्स्ट बात तो मेरी माँ है नहीं, उनका 2 साल पहले डेट हो चुका है, तो फिर भी उनको मतलब याद करते हैं। माँ इस दुनिया को अलविदा कर, कैसे उस दिन को याद कैसे कर रही हैं आज के दिन? बहुत उनको याद कर रहे हैं। आज तो कुछ मेरी माँ नहीं है तो हमको तो और बहुत ज़्यादा ही याद मतलब कर रहे हैं उनको। और क्या माँ को याद कर, और अगर माँ होती आज तो फिर बहुत सारी खुशियाँ। इससे पहले जब थी तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे हम लोग। सेलिब्रेट किए, क्या आज भी उस दिन को याद करती हैं? हाँ करते हैं कि थी तो कैसे मतलब थे, कैसे बीते दिन वो सब। आज मदर्स डे है, एक लाइन में माँ के लिए क्या कहना चाहती हैं? माँ जन्नत है, इससे बड़ा तो कोई कुछ हो नहीं सकता। माँ जन्नत है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। नहीं, आज के दिन क्या तोहफा दे रही है माँ से आप? सर मैं घर से दूर रहती हूँ, तो मैं सबसे पहले जगी तो मैं अपने माँ को इसकी, और फिर मैं बोली आपको क्या चाहिए, तो बोला सिर्फ आपकी होंठों की हंसी चाहिए, आप ऐसे हमेशा हंसते रहो, मेरे लिए इससे बड़ा कोई और तोहफा नहीं। अपना घर कहाँ? मैं पत्थरघाट प्रखंड से हूँ, मेरा घर सखौड़ी है। सखौड़ी सहरसा जिला पड़ता है। यस सर। यहाँ पर के पढ़ाई करती हैं? हाँ सर। माँ को खूब याद करती हैं? बहुत मिस करते हैं। लेकिन है नहीं सामने? नहीं। चलिए और बहन, हम उनसे बात क्या बोलेंगे, माँ के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर माँ माँ जननी है, माँ की शुरुआत ही दिन से, माँ की पूरा शुरुआत, माँ का ये जिंदगी देन उसी माँ की है। तो उस जननी के बारे में यही कहेंगे कि जो है आज उसी के बदौलत है, उसका जो सपना है उसे साकार करेंगे, अपनी माँ की सपनों को, उस उड़ान को भर के जो वो देखी है दिन रात, क्योंकि माँ एक ऐसी जननी, माँ ही वो एक ऐसा शख्स है कि उसे पता है कि बच्चों की आंखें की लाली बता वही पहचान पाती है कि वो रोने से आया है कि सोने से आया है। तो उस जननी को मेरा यही है कि हम पढ़ लिख के कुछ बने, जो उसका उम्मीद है, सपने पल पल देख रही है, आस लगाए बैठी है, तो उस आस को पूरा करे, दिन रात इस आस में है कि मेरी बेटी भी कामयाब हो, तो बस सर उसका सपना पूरा करना ही मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है, यही कहेंगे सर। सबसे पहले तो माँ शब्द से ही मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, नहीं तो हम अपने ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ शब्द ही सृष्टि में, जगत में उसका कोई, उसके स्थान का कोई नहीं हो सकता है। कहते हैं रिश्ते तो बहुत होते हैं, कोई रिश्ते बड़े या छोटे नहीं होते हैं आने के लिए, पर माँ अकेली है जो बच्चे की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए काफ़ी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप क्या बोलेंगे बहन, आप भी तैयारी करती हैं, हाँ आप भी माँ हैं? हम माँ को बहुत याद करते हैं, माँ के बिना मतलब एक दिन भी नहीं कटता है, जब तक माँ से बात ना करे, सुबह हो या शाम हो, दिन में कम से कम 2 बार माँ से बात ना करे तो दिन नहीं कटता है मेरा। हर बात शेयर होता है। हाँ, डांट कितना सुनी अब तक आपने? कोई गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप क्या बोलेंगे बहन, आप तैयारी करती हैं? मदर्स डे सही है, बट हमें हर दिन मदर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हेल्प करने के लिए उनका भी कुछ सोचना चाहिए कि। चलिए देखिए मुस्कुरा रही है। अच्छा आप क्या बोलेंगे, आप भी तैयारी करती हैं यहाँ? अच्छा, क्या कहना चाहती है आज के दिन के बारे में, क्या सोचती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ए डे इज़ नॉट इनफ फॉर मदर्स डे, एक दिन काफ़ी नहीं है माँ के लिए,
सिर्फ माँ को हम माँ की तरफ ना देखें, उन्हें एक औरत की तरफ जब से हम जब हम देखने लगेंगे कि उनकी क्या ख्वाहिश है, तब जाके हम सच में माँ की अस्तित्व को एक पहचान मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँ। ठीक है।